गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं बेटा अगला टॉपिक चैप्टर 3 का, और वो टॉपिक है बेटा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी और जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है उसके बारे में बेटा पढ़ चुके हैं, और क्या क्या फैक्टर थे जो उसके ऊपर इफेक्ट डालते हैं। ट्रेंड्स जो था लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, सेम इसी तरह से आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। बेटा देखिए, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी बेटा क्या होती है, विद अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम, किसी भी एक एटम के अंदर ये क्षमता है टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, भी वो खुद की तरफ अपनी तरफ एक जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय जाई, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, जाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए क्या कहा जाता है बेटा इसके अंदर भी, आप देखेंगे कई हमारे पास ऐसे कंपाउंड बने हुए होंगे जो दूसरे के साथ अपना जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शेयर करवाते हैं, क्योंकि इसके लिए देखिए ऑक्टेट होना कंप्लीट होना जरूरी है, और दूसरे का ऑक्टेट कंप्लीट करवाने के लिए जो अपना शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उसको देते हैं। तो इस बेस पे कहते हैं कि इट डिफर्स, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया ये अलग है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी और जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी है उन दोनों से। तो इन दी सेंस हम ये कहेंगे वी दीज रिलेट टू अटेन इन देयर आइसोलेटेड स्टेट। आइसोलेटेड स्टेट कौन सी होती है, जिसके अंदर हम ये कहते हैं भी जो हमारे पास कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो गैसियस फेस में आ गया और आसानी से जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स वो लॉस कर देगा। तो आइसोलेटेड स्टेट वेयर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इन द बॉन्डेड स्टेट। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस एटम की इन द बॉन्डेड स्टेट वो उसके अंदर हम लेके चलते हैं। तो अनलाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बेटा ये क्या है, इज नॉट ए मेजरेबल क्वांटिटी, ये एक मेजरेबल क्वांटिटी नहीं होती है, एंड इट इज नॉट एन कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट भी नहीं होती है, बट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर, बट ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनके ऊपर डिपेंड करते हैं। कौन से फैक्टर हैं, फर्स्ट है बेटा जैसे स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सेकेंड है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, थर्ड है नेचर ऑफ द सब्सटेंट अटैच टू द एटम। तो जैसे अगर हम फर्स्ट की बात करें स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, इसमें आप देखिए जो नेक्स्ट चैप्टर अपना आएगा बेटा उसमें हम ये डिस्कस करेंगे भी व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन देखिए बेटा क्या होती है भी, व्हेन वन टू और मोर जो अपने पास क्या होते हैं ऑर्बिटल्स कंबाइंड टुगेदर सेम और डिफरेंट टाइप के, तो जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं जिसे हम हाइब्रिड कहते हैं, और ये जो हाइब्रिड है ये जो फिनोमिना है वो हाइब्रिडाइजेशन कहलाती है। तो आपने 10th में भी किया जो 4th चैप्टर था अपना कार्बन कंपाउंड वाला भी, उसमें देखा था भी जो कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड वो बेटे sp हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, जब इसमें हम क्या लेते हैं डबल बॉन्ड तो ये sp2 शो करता है, और जब लेते हो सिंगल तो sp3 लेते हैं। और ये बताया गया था कि जो sp हाइब्रिडाइजेशन है वो ग्रेटर होती है sp2 से, ये ग्रेटर होती है sp3 से। तो इसके बेस पे हम यहाँ पर बता रहे हैं भी जो sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है किसे, sp2 से। जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है किसे, sp3 से बेटे। सेकंड पॉइंट जो आता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एलिमेंट, इसमें क्या है बेटा जितनी ज्यादा एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतना ही ज्यादा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। एग्जाम्पल है जैसे भी आपके पास आयरन 3+ और Fe 2+ है, अब हम देख रहे हैं कि ये जो 3+ है ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू +2, इसलिए हम क्या कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इसकी ज्यादा रहेगी किसके कंपेरिजन में, Fe 2+ के। इसके अलावा और भी कोई हो सकता है, जैसे आप कॉपर लेते हो तो कॉपर 2+ और कॉपर +1 होता है, तो इसकी ज्यादा रहेगी इसके कंपेरिजन में। थर्ड पॉइंट जो आता है नेचर ऑफ द सब्सटेंट अटैच, अब जो कार्बन के साथ एटम जुड़े हुए हैं उसके नेचर पे डिपेंड करता है, जैसे आप एक लेते हो CF3I, एक आप लेते हैं CH3I, ठीक है। तो अब ये दो एग्जांपल हो गए अपने, तो हम क्या कहते हैं बेटा देखो जो कार्बन है इन CF3I
ये बेटा क्या है, हैज मोर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज होता है, कौन से कार्बन से, जो इसमें जुड़ा हुआ है, या हम ये कहेंगे भी जो इसके अंदर ये कार्बन है ये लेस बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव माना जाता है, कौन से कार्बन से, इसके, तो ये अपोजिट हो गया भी, या तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम देख रहे थे भी इस केस में हमने कहा कि जो कार्बन है उसके ऊपर बेटा जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज वो ज्यादा है, इसका मतलब जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम है। जबकि दूसरे एग्जाम्पल में ये कहा गया कि जो कार्बन है उस पे पॉजिटिव चार्ज क्या कम होता है लेकिन जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये तीन फैक्टर हैं जो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बेटे आपने डिस्कस करने हैं। इसके बाद आ जाता है ट्रेंड्स। जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं या टॉप टू बॉटम जाते हैं तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हमें वो देखना है। तो देखिए जैसे है ट्रेंड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब देखिए आप कहां जा रहे हैं, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, और जब आप बेटा लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एक तो जो एटॉमिक साइज है एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, जबकि जो न्यूक्लियर चार्ज है ये इंक्रीज होता है, इंक्रीजेस। तो ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज करती है बेटा, कब, जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, बिकॉज जो हमारे पास एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज कर रहा है। तो जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो बेटा जो फ्लोरीन है इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है जी। फिर आप बात करते हो ट्रेंड्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब टॉप टू बॉटम आते हैं एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, जबकि जो न्यूक्लियर चार्ज है न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस आल्सो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। देखिए जब आप टॉप से बॉटम आए तो नंबर ऑफ सेल बढ़ती हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास क्या बेटा है एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज करता है, लेकिन जो न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज कर जाता है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ सेल है वो बढ़ती जा रही है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी तो जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज करती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, सो सीजियम इज द मोस्ट लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इसके अंदर बेटा अपने पास क्या है रहेगा। अब हम करेंगे डिफरेंस किसके बीच में, जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी है और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके बीच में जो डिफरेंस है बेटा इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, वो देखिए डेफिनेशन आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी की, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, भी ये क्या है टेंडेंसी होती है एक आइसोलेटेड एटम की जो अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन को, जिससे जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। जबकि बेटे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में द टेंडेंसी ऑफ एन टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ की चीज की टेंडेंसी है जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अट्रैक्ट करने की, ताकि जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट किया जा सके। सेकेंड जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथाल्पी है इट इज मेजर एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर की जा सकती है और इसको हम एक्सप्रेस करते हैं इन किलो जूल पर मोल या इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जबकि हम कहें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इट कैन नॉट मेजर एक्सपेरिमेंटली, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं की जा सकती, इट इज ओनली ए रिलेटिव नंबर, ये एक रिलेटिव नंबर होता है
विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन, जैसे हम क्या लेते हैं 4.0 लेते हैं। फिर कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम। ये किसकी प्रॉपर्टी है? आइसोलेटेड एटम की है, जबकि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्डेड एटम। यहां पर जो ये शेड पेयर ले रहा है, ये कब आए? जब वो बॉन्ड बन चुके हैं, लेकिन यहां पर क्या था? वो जो आइसोलेटेड स्टेट में है। फिर अगले इट इज ए कॉन्स्टेंट फॉर एन एटम, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कॉन्स्टेंट होती है, जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इट इज नॉट ए कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये कॉन्स्टेंट नहीं होती है। फिर कहते हैं पांचवें पॉइंट में, इट डज नॉट चेंज रेगुलरली इन ए पीरियड, ये पीरियड में रेगुलर चेंज नहीं होती है, जबकि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आप लेफ्ट टू राइट जाए चाहे टॉप टू बॉटम जाए, ये बड़े चेंज होती है। फिर कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इट मे बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ये नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बट जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये बेटे कहते हैं कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये क्या है? पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये अपने पास क्या था? डिफरेंस था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में और किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बीच में। उसके बाद बेटा एक आ जाता है अपना टॉपिक, पोलर एंड नॉन पोलर बॉन्ड कौन से होते हैं। तो जैसे आप देखेंगे, ये भी पोलर तो बेटा वो होते हैं जिसमें कटायन और अनायन की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, तो मतलब डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, जबकि नॉन पोलर में हम ये कहेंगे भी वो कोवलेंटली बॉन्डेड होते हैं, जिसके ऊपर या तो नेगेटिव और या ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तो दोनों चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट नहीं होते, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, वो डेफिनेशन जो रहेगी नेक्स्ट है नॉन पोलर बॉन्ड और पोलर की डेफिनेशन। नॉन पोलर देखो बेटा क्या होते हैं? ए बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम, जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया भी, दो सिमिलर एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर। एग्जाम्पल देखिए H2Cl2O2N2 मॉलिक्यूल्स, तो यहां पर जो है वो शेड में बनेगा आपस में शेयरिंग करके सेम टाइप के एटम के बीच में, जबकि जो नॉन पोलर बॉन्ड है ये क्या है? ए बॉन्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, इस सेट को भी पोलर, जो डिफरेंट के बीच में बनेगा, और यहां पर जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बेटा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, एटम होता है, उसकी तरफ जो है जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और जिससे जाएंगे उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? पोलर बॉन्ड। एग्जाम्पल है जैसे HF, यहां देखेंगे भी हाइड्रोजन और फ्लोरिन पे जो शेड पेयर बना, ये हम अगर फ्लोरीन पे ट्रांसफर कर दे तो फ्लोरीन पे जाएगा डेल्टा माइनस, जबकि जो एच है उस पे जाएगा डेल्टा प्लस, तो इसे आप क्या नाम देंगे? पोलर बॉन्ड का नाम देंगे। इसी प्रकार से एक जैसे आ जाता है ट्रेंड्स इन वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट केमिकल, क्या बात कर रहे हैं वो भी जो ट्रेंड्स है, ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होता है बेटा? एक तो देखी जाती है वैलेंसी, और एक इसमें क्या देखा जाएगा? ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो हमारा ऑक्टेट रूल है उसके अकॉर्डिंग 8 माइनस जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हम करते हैं, जिससे क्या होता है? जो उसकी वैलेंसी है वो अपने को पता चल जाती है बेटे भी कितनी है उसमें। कैसे कह सकते हो भी अगर हम ये कहें वैलेंसी निकालनी है तो आप क्या कहेंगे? 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो उससे उसकी जो वैलेंसी है वो पता लगेगी, या आप ये कह सकते हैं भी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अपने को पता चलती है। तो जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो ग्रुप है अपना, उस पूरे ग्रुप की जो बेटे वैलेंसी है या ऑक्सीडेशन स्टेट वो सेम रहेगी, लेकिन अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आप देखते हैं भी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसका मतलब जो वैलेंसी है या जो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी बेटे क्या होगी? चेंज होगी जब हम क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए जो ऑक्सीजन है आप देखते हैं अभी H2O, अब इस केस में यहां पर ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 लेते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल अपने पास है H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसमें हम कितने लेते हैं? -1 लेते हैं बेटे। इसी प्रकार से एक जैसे होता है O2F2, इसमें फ्लोरीन की -1 है, ऑक्सीजन की क्या ली जाती है? +1 ली जाती है।
देखिए जनरली हम कहते हैं कि माइनस टू होती है ऑक्सीजन की, बट हम देखें माइनस वन प्लस वन ये भी यूज कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है उसके साथ वाले एलिमेंट पे भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट या वैलेंसी क्या दे रखी है। उसके बाद आ जाता है जैसे अपने पास ये जो अनोमलस बिहेवियर होता है सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स का, भी जो फर्स्ट पीरियड एलिमेंट है बेटा ऑफ ईच ग्रुप फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड एंड फ्रॉम थर्ड टू 18 वो अनोमलस बिहेवियर शो करते हैं, कुछ ऐसी बातें शो करते हैं जो उनसे डिफरेंट होती हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा सेकेंड ग्रुप है या आप कह दो भी जो सेकेंड पीरियड है वो भी उनसे डिफरेंट जो है बिहेवियर शो करता है। तो जो अनोमलस बिहेवियर है वो क्या है, एक तो उनका साइज छोटा होगा, एक बेटा उनकी हाई आयोनाइजेशन इंथाल्पी होगी, एक उनका क्या होगा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, और उनका जो चार्ज है वो भी क्या होगा ज्यादा, और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो ये क्या है सेकंड पीरियड जो हमारे एलिमेंट है उनका जो है अनोमलस बिहेवियर होता है, किसकी वजह से हम लिख सकते हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, इसकी वजह से ड्यू टू स्मॉल साइज भी, एक तो जो है बेटा हम कहेंगे भी उनका जो साइज है वो क्या है यहां पे स्मॉल है, दूसरा हाई आयोनाइजेशन एंथाल्पी, तीसरा एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, चौथा पॉइंट हम कह सकते हैं बेटा इसके अंदर वेरी हाई चार्ज और इनके बेस पे हम कहेंगे भी जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, क्योंकि देखो टॉप टू बॉटम तो बेटे साइज भी बढ़ता है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज करती है, बट लेफ्ट टू राइट की बात कर रहे हैं और सेकंड पीरियड एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या रहेगा ये बेटे परिवर्तन रहेंगे। नेक्स्ट आता है पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी। पीरियोडिक ट्रेंड्स एंड केमिकल रिएक्टिविटी, तो इसमें देखिए क्या देखा था, when we go from top to bottom, बेटे जब आप जाते हो top to bottom in left hand side groups are called alkali and alkaline earth metals and they form basic oxides react with the ऑक्सीजन, ठीक है जी, और व्हेन वी गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन राइट हैंड साइड forms
ऑक्साइड्स, वो बेटे एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और एक जो होता है बेटे इंटरमीडिएट होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, इसमें लिखा जाता है बी द ऑक्साइड फॉर्म द ऑक्साइड्स फॉर्म्ड इन बिटवीन दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, दैट इज दे बिहेव एसिडिक एज वेल एज बेसिक। वो दोनों तरह का जो बिहेवियर है वो शो करते हैं। तो इसके लिए जो एग्जांपल है बेटे, एग्जांपल An2O3 जैसे रहेगा, इसके अलावा आप ले सकते हैं ZnO, इसके अलावा आर्सेनियस ऑक्साइड। तो ये बेटा इसके क्या रहेंगे, ट्रेंड्स रहेंगे। इसके अलावा एक इसमें जैसे कि आप लिख सकते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड कौन से होते हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड। तो इसमें हम ये कहेंगे बी दो ऑक्साइड विच हैव नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी, दो विच हैव नो एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज। तो ये क्या रहेंगे बेटा आपके, न्यूट्रल ऑक्साइड्स रहेंगे। तो ये अपना था बेटा आज का लास्ट टॉपिक। इसी के साथ जो अपना ये चैप्टर है ये भी बेटे यहाँ पे एंड होता है। फिर हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।